थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बट वी डिड नॉट लूज एनीथिंग, हम इससे आगे चले गए थे कल पिछले वाले लेक्चर में, तो वो होगा. सो वी वांट टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इनटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स टी डिवाइडेड, इसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन. जनरेटिंग फंक्शन मतलब अगर मैं इसकी टेलर सीरीज निकालता हूं तो इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो लीजेंडर पॉलीनोमियल. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप, ऑफ कोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हम कर रहे हैं ना डिफरेंट ऑर्थोगोनल पॉलीनोमियल्स, लेकिन हमें क्योंकि अगर हम उसको करने बैठे तो इसके लिए अलग से एक यूनिट होना चाहिए था, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको मेन मेन प्रॉपर्टीज इसकी करेंगे. नाउ वी वांट टू शो दैट, इसका मैंने कुछ हिस्सा किया था. चलो अब मैं, सो ऑफ कोर्स वी कैन, हम इसको ले सकते हैं. Because we know that this can be, अगर मैं लूँ 1 by 1 minus t, actually हमने किया भी था, e raised power minus x t divided by 1 minus t, this can be written as 1 by 1 minus t, let me write it here, RHS, ठीक है, right hand side जो मेरा है, वो इसके बराबर है. So it is exponential of this, so therefore I can write it as summation k, और मुझे k और n का थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है. Summation k runs from 0, क्योंकि k उधर भी है, k runs from 0 to infinity, of course 1 by k factorial into minus x t divided by 1 minus t whole raised power k. This is just the definition of the exponential. मेरे कहने का मतलब है, e raised power x for any x is equal to summation k runs from 0 to infinity x raised to power k divided by k factorial. लेकिन अब x की जगह है, x की जगह ये है, ये सारा माइनस एक्स टी डिवाइड बाई वन माइनस टी बी को आ गया. ओके, सो वी कैन जस्ट मेक इट अ लिटिल सिंपलर. आई कैन जस्ट राइट इट एज 1 बाई वन माइनस टी समेशन k रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई k फैक्टोरियल. ऑफ कोर्स आई कैन मेक इट एज माइनस एक्स टी, चलो मैं कैसे लिखूं, मैं लिखता हूं माइनस एक्स टी, चलो ऐसे ही लिखता हूं, रेज पावर के डिवाइडेड बाय वन माइनस टी रेज टू पावर, इसको यहां ले जाते हैं अंदर, सो इट वुड बी एक ही स्टेप में, सो इट वुड बी के प्लस वन. आई थिंक हम ये कर चुके हैं, ओ सॉरी, यहां अप टू इंफिनिटी. So this is equal to summation k runs from 0 to infinity. कल मैंने ये माइनस बाहर निकाला था, बट कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. ओके, सो इट वुड बी 1 by k factorial. चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, चलो ऐसे ही रखते हैं. चलो x raised power k, t raised power k. So this is what I have from the right hand side. और कुछ है, और भी आएगा माइनस वन रेज पावर के, क्योंकि यहाँ माइनस है, और हाँ ये वन माइनस टी रेज पावर के प्लस वन. ओके, अब आई वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ अनदर सीरीज, उसके लिए हम क्या करेंगे. सो ओके, लेट मी टेक अदर पेज, क्योंकि उसमें मुझे टाइम लगेगा. So if I take, जैसे मैंने कहा था, in terms of geometric progression, if I take mod of t less than 1, this can be written as summation n runs from 0 to infinity t raised to power n. Now if I differentiate it k times, you know that what is d by dt of 1 by 1 minus t, it is nothing but, it should be minus 1 into 1 minus t ka square, of course अंदर से एक और minus 1 आएगा तो plus 1, मतलब internal differentiation. और अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट वुड बी डी बाई, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सो ये होगा 1 माइनस टी ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव वुड बी, ऑफ कोर्स इट वुड बी माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 2, फिर से माइनस कैंसिल, 2 बाई 1 माइनस टी का क्यूब. सिमिलरली अगर मैं लू थर्ड डेरिवेटिव या kth डेरिवेटिव इन जनरल लू इसका, इट वुड बी 1 माइनस 1 by t का k से डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा, देखो 2 है तो यहाँ k फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1 माइनस t इनटू k प्लस 1. अब सिंपल फॉर्मूला है, अगर तुम इंडक्शन से करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ दोनों का डेरिवेटिव लेता हूँ,
डी केथ डेरिवेटिव सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी है 1/1 माइनस टी, इट शुड बी समेशन एन रन्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी अज्यूमिंग द कन्वर्जेंस वगैरह जो कि है केथ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ टी रेज पावर एन. Now this would be left hand side as we saw k factorial divided by 1 minus k sorry 1 minus t raised to power k plus 1. Now this is the left hand side. Right hand side kya hoga? Of course hum seedhe power ko kar rahe hain, so it would be summation n runs from 0 to infinity k the derivative hai to n into n minus 1 up to n minus k minus 1. Ye hum kal kar chuke the t raised power n minus k. And of course देखो ये जो सम था ये है क्या, इट इज 1 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, दूसरी बार ये, सो अब अगर हम n टाइम्स करेंगे तो इसकी n माइनस 1 टर्म्स खत्म हो जाएगी, ने वो जीरो हो जाएंगी पहली जो टर्म्स है k माइनस 1. सो दिस शुड बी द सेम थिंग एज n रेज पावर k टू इंफिनिटी n इनटू, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए k factorial into t raised power n minus k. In short, ये आना चाहिए नहीं, n minus k factorial, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसके बाद n minus k up to फिर डिवाइड और मल्टीप्लाइंग बाय n minus k minus 1 and so on and so forth, you get this thing. Okay, उसका मतलब ये हुआ कि 1 by 1 minus t raised power k plus 1 is equal to 1 by k factorial into summation n runs from k to infinity. ये जरा ध्यान रखना क्योंकि इसमें main step यही है. I hope तुम इसको समझो. T raised power n minus k. अब हम इसको कर रहे हैं substitute हमारी इधर इस जगह. ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ summation k runs from 0 to infinity minus 1 raised to power k divided by k factorial x raised power k t raised power k, right? Then summation k n runs from k to infinity. What was the sum on the left? Okay. हाँ यहाँ पे 1 by k factorial n factorial divided by n minus k factorial x raised to power n minus k. ओके, अब दिस कैन बी रिटन एज, मैं सारा कुछ क्लियर करें, ये बन जाएगा समेशन के रन्स फ्रॉम जीरो टू इनफिनिटी समेशन एन रन्स फ्रॉम के टू इनफिनिटी, देन आई वुड हैव ऑफ कोर्स मैं इसको लिखना चाहूंगा माइनस वन रेज पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल. और यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, दिस इज सिंपली एन चूज के, ये ना जो यहाँ पे है इट्स एन चूज के कोर्स. And then I have x raised power k, x raised power n minus k. So k k khatam, it should be x raised power n t raised power k. I think wahi hona chahiye. Okay. Okay. Right. Theek ho na? T raised power bilkul sahi. X raised power n t raised power k. To agar hum wahan tak pahunch gaye, ab thoda sa hume dikhana hai jo mera right hand side hai. राइट हैंड साइड में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो लेट मी फर्स्ट राइट यहाँ पे मेरा जो राइट हैंड साइड अब है ये कैलकुलेशन के बाद. अरे काश मैं इसको कट एंड पेस्ट कर पाता. सो इट वुड बी के रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी कहाँ गया समेशन के रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी समेशन एन रन्स फ्रॉम के टू इन्फिनिटी और बाकी काम क्या है अपना. ओके इट इज इक्वल टू काफी सारा है ना माइनस वन रेज पावर के माइनस वन रेज पावर के डिवाइड बाय के फैक्टोरियल एन चूज के. अब ध्यान रखना है एन और के में कहीं जरूरत ना हो जाए. एक्स रेज पावर एन टी रेज पावर के राइट एक्स रेज पावर एन टी रेज पावर के कहाँ गया x रेज पावर n ये नहीं x रेज पावर n t रेज पावर k
और मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है अपना, एज वी कैन सी लेफ्ट हैंड साइड है ये टी रेज पावर एन लीजेंडर पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, सो इट इज समेशन एन था कि के था उसमें जरा देखना है, क्योंकि एन और के का ही इसमें सारा है। एन रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, मैंने एन लिखा तो यहाँ पर भी एन लिखना पड़ेगा, जीरो टू इन्फिनिटी, देन यू हैव एल एन ऑफ एक्स टी रेज्ड पावर एन। अब एल एन को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जो इसका अपना फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन के रन्स फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन रेज पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, मुझे फिर से जाना पड़ेगा, व्हाट वाज इट, हाँ ये समेशन माइनस वन एक्स रेज पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, सो आई हैव एक्स रेज पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल वो आ गया इंटू टी रेज पावर एन। थोड़ा सा एक्स रेज पावर के यहाँ है, टी रेज पावर एन बिल्कुल सही, सो यहाँ पर है एक्स रेज पावर एन टी रेज पावर के, मुझे चेक करना पड़ेगा, ये है ना बोर्ड अगर होता है तो कम से कम सामने तो होता है। सो हमें यहाँ पे मिला एन माइनस के खत्म, एक्स रेज पावर एन टी रेज पावर के, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, हाँ एक्स रेज पावर के ही होना चाहिए ना, टी रेज पावर एन, कहीं मुझे एन के में कुछ हो गया, एक्स रेज पावर के होना चाहिए, टी रेज पावर के वो कैसे, एक्स रेज पावर टी, के तो कैंसिल हो गया, वो जस्ट मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, सो टी रेज पावर के ही रहेगा, चलो ओके। द क्वेश्चन इज क्या ये दोनों सम सेम है, हमें दिखाना है क्या ये, मतलब अगर हम देखें तो अंदर जो टर्म्स हैं, ऑफ कोर्स एन चूज के भी है, एन चूज के भी है, माइनस वन रेज पावर के भी है, एक्स रेज पावर के टी रेज पावर एन है, सो द क्वेश्चन इज क्या ये यही सम है जो इधर है ना, मतलब इज दिस सम, एंड मतलब देखो ना यहाँ है एन रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ है के रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, एंड साथ में है k runs from 0 to n, यहाँ है n runs from k to infinity, are they equal, that's what we have to show, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा ध्यान से, इसको मैं जो k वाली टर्म है ना इसको ऐसे रखूंगा, इसको मैं मानूंगा, चलो या तो इसको ठीक कर सकते हैं या इसको, चलो इसको ठीक करेंगे। नाउ आर एच एस को लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ समेशन, मैं चाहता हूँ ये तुम हमेशा के लिए क्या बोलते हैं इसको, जीरो टू इन्फिनिटी, मैं इसको के, हाँ बिल्कुल एन एन रन्स फ्रॉम के, शुड आई राइट दिस वे और दिस वे, चलो इसको ठीक करते हैं यार, इसका ज्यादा ईजी है ओके। पहले मैं जरा रफ पे थोड़ा आइडिया तुम्हें दूंगा, व्हाई वुड दीज टू सम्स बी इक्वल, suppose this is my lambda n, ye sara kuch, then I have summation n runs from 0 to infinity and t raised power n, matlab isko agar main thodi der ke liye lambda n manu to it is like summation n runs from 0 to infinity lambda n t raised power n, aur lambda n jo khud hai wo khud ek sum hai, summation k runs from 0 to n, so you have, let me call it alpha k, मतलब इस तरह से है ना सिचुएशन, l खुद एक सम है, lambda n ये जो k runs from 0 to n, मतलब मैंने इस सारे को थोड़ी देर के लिए रखा है alpha k, right, ये ना जो अंदर बैठा हुआ है, so then this is actually equal to, देखो lambda 0 किसके बराबर आएगा, lambda 0 होगा simply alpha 0, lambda 1 होगा alpha 0 plus alpha 1, राइट right? एंड इसी तरह से लेमडा टू होगा अल्फा जीरो प्लस अल्फा वन प्लस अल्फा टू, सो बट दिस सम इज एक्चुअली लेमडा जीरो, ये तो जीरो ही है, प्लस लेमडा वन इंटू टी प्लस लेमडा टू इंटू टी स्क्वायर, लेकिन लेमडा खुद एक सम है, सो यू कैन राइट इट एज लेमडा स्क्वायर प्लस
this would be, of course, this would be alpha 0 plus alpha 0 plus alpha 1 into t plus alpha 0 plus alpha 1 plus alpha 2 into t square. और इस तरह से इन्फिनिट सम है जहां पे कोफिशिएंट्स खुद एक सम है, लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज करें ऐड करने का, आई कैन राइट इट एज अल्फा जीरो इनटू वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन एंड सो फोर्थ, देन आई कैन राइट इट एज अल्फा वन इनटू टी प्लस टी स्क्वायर प्लस वन एंड सो फोर्थ. फिर लिख सकता हूं मैं इसी तरह से अल्फा टू इंटू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, मतलब यू जस्ट सी दैट कि ये इस सम के बराबर, जस्ट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ समेशन, देन दिस सम कैन बी रिटन एज समेशन. नाउ लुक एट दिस, अब जो ये अल्फा है ना, अल्फा का अलग सम में लिखूंगा, सो आई कैन राइट इट एज, देखो यहां आ रहा है जीरो, सो यू कैन राइट समेशन, शुड आई राइट इट, इसको पहले, मतलब इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ, वो 1 plus t plus t square, so on and so forth into alpha 0, मतलब plus t square, plus so on and so forth into alpha 1, plus ऐसे ही जाएगा. But that would be equal to summation, I can write it as, alpha 0 है, तो it would be summation, alpha को कैसे लिखें, k, इसको मैं मानता हूं इन्फिनिटी, है ना. अब मैं देख रहा हूं मैंने कौन सा सिंबल यूज किया, सो आई कैन राइट इट एज समेशन के रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी अल्फा के इनटू समेशन एन रन्स फ्रॉम के टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर एन. यू कैन इजीली चेक कि ये दोनों ये ऐसे बराबर है. देखो अगर मैं अल्फा को देता हूं जीरो तो अंदर क्या आना चाहिए, के रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, बिल्कुल है. अगर अल्फा वन होगा तो के रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, बिल्कुल है. अगर अल्फा टू होगा तो के रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, बिल्कुल है. तो कहने का मतलब जो ये सब करने के बाद, वैसे रिकॉर्डेड रहेगा तो तुमको बाद में ठीक से देख सकते हो, अगर मैं यहाँ इरेज करूँ, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि इसको ऐसे, मतलब इट इज पॉसिबल टू राइट इट लाइक दिस. Okay, whatever it is, record हो गया. So means I can write it as, जो मैं यहाँ करने वाला हूँ, summation, अब alpha और k जो इसके index है आपस में change हो जाएंगे, जो मुझे चाहिए था k runs from zero to infinity, summation n runs from of course k to infinity, जो ना यहाँ पे है exactly हमें यही मिलेगा. I of course k और n आपस में चेंज हो जाएंगे, so we have x raised power n t raised power k which is equal to right hand side. of course ये अगर तुम खुद करोगे तो, मगर ये मतलब आइडिया ये है कि how when you change the switch the summation, बजाय इसके तुम पहले उनको ऐड करो फिर t मल्टीप्लाई करो, तुम पहले t इसको ऐड करोगे फिर उसको अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, this is the same thing. so तो मैं ये फाइनली खत्म हो गया. तो हमने दिखाया इसकी जनरेटिंग फंक्शन Legendre polynomials की. So then we have what we call recurrence relations. तो recurrence relations इसकी जो हमें करनी है. And remember now, हमारा जो generating function है वो है summation n runs from 0 to infinity ln of x t raised to power n is the function. 1 by 1 minus t e raised to power minus x t divided by 1 minus t. मतलब ये raised to power है. मेरे कहने का मतलब है, it is actually this exponential of minus x t divided by 1 minus t. Okay. Now from this, you can obviously derive some recurrence relations. जो पहली वाली है, वो ये कि n plus 1 into l sub n plus 1 of x is equal to 2n plus 1 minus x into ln x minus n times l sub n minus 1 of x. इसमें हम यूज करेंगे कि इसकी जो जनरेटिंग फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ वी नो दैट जो हमने अभी किया ये कि समेशन n रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी
एल सब एन एक्स इंटू टी रेज पावर एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी। ये इजी है बट अनफॉर्चुनेटली इसमें जो एक कंबरसम कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ा तंग कर दिया। Now if we differentiate both sides with respect to t, differentiating both, अब देखो ये भी लंबा चौड़ा है, both sides with respect to t, अब यहाँ तो बिल्कुल easy है, left hand side, so you would have summation n runs from 0 to infinity, इसका t के साथ कोई लेना देना नहीं, so it should be ln x into n into t raised to power n minus 1, no issues, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा है, it is d by dt of 1/1 minus t into e raised to power minus x t divided by 1 minus t. लेकिन हम इसको करेंगे तो यूज द प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में आ जाएगा, पहले आ जाएगा 1/-1, सो इट शुड बी, पहला वाला तो सीधा आना चाहिए यहाँ पे 1 minus t square into e raised power minus x t divided by 1 minus t plus 1/1 minus t को ऐसे ही रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये एज इट इज रहेगा, देखो ना कितना है, मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, सो दैट वुड बी इक्वल टू 1/1 माइनस टी स्क्वायर इनटू, अब मैं यहाँ ऐसे ही लिखूंगा ताकि ये बार बार रिपीट ना करना पड़े, मतलब मैं यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे ये है, हाँ देन यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, x को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, माइनस x को बाहर निकाल सकता हूँ, और अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो इट शुड बी 1/t को ऐसे ही रखा तो इट शुड बी 1/1 माइनस t, t को ऐसे ही रखेंगे इट शुड बी 1/1 माइनस t स्क्वायर अगेन, सो ऑफ कोर्स इसको ये मल्टीप्लीकेशन में है, सो इट वुड बी डायरेक्ट, मैं इसको बाहर निकालूंगा क्योंकि ये इसके साथ है और 1 माइनस टी भी इसके साथ है, यहाँ है ना हमारा e raised to power minus xt divided by 1 minus t, तो हर टर्म के साथ है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, यानी मैं इसको लिखूंगा e raised power minus xt divided by 1 minus t into, अंदर बचेगा as you will check 1/1 minus t minus x by 1 minus t और ऑफ कोर्स माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट वी विल हैव इनसाइड, आई थिंक एग्जैक्टली ही होगा, बिल्कुल सही, एक्स टी यहां एक्स यहां, ओके तो दिस इज माय, आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 माइनस टी का स्क्वायर, सॉरी यहां पे 1 माइनस टी का स्क्वायर है, तो व्हाट डू आई गेट, इसको ऐसे ही रखते हुए मतलब इसको मैं चेंज नहीं करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो यू विल गेट 1 माइनस टी होल स्क्वायर इनटू समेशन एन रन्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी एल एन एक्स टी रेज टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स टी इनटू डिवाइड बाय 1 माइनस टी, ओ सॉरी यहां भी है ना इसको 1 माइनस टी, ओ यहां भी है रेज टू पावर, मतलब ऊपर लिखा है तो, सो अंदर बचेगा जब हम 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई, स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इट वुड बी 1 माइनस टी, देन आई हैव व्हाट माइनस एक्स इनटू 1 माइनस टी, देन आई हैव माइनस एक्स टी, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, राइट, सो दिस इज व्हाट आई गेट, और अगर मैं यहां थोड़ा देखूं, दिस इज 1 माइनस टी माइनस एक्स माइनस नहीं प्लस एक्स टी माइनस एक्स टी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, यानी लेट मी राइट इट इन अ मोर प्रॉपर फॉर्म नाउ, तो आई हैव 1 माइनस टी का स्क्वायर इनटू समेशन एन रन्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, ओह नो वेट अ मिनट, ओके क्या था यहाँ पे, एल एन एक्स इनटू टी रेज पावर एन, नहीं मैंने डिफरेंशिएट किया था, इट वाज n into t raised power n minus 1, और right hand side को जब मैंने differentiate किया, वो है e raised to power minus x t divided by 1 minus t whole divided by 1 minus t into 1 minus t minus x, लेकिन ये तो है generating function, मतलब I can write it as summation n runs from 0 to infinity, of course ln x into t raised power n into 1 minus t minus x,
सो दिस इज, और यहां पे भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2t प्लस t स्क्वायर इनटू समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, आई हैव गॉट व्हाट l, चलो मैं यहां ऐसे लिखता हूँ n t रेज पावर n माइनस 1 ln x. सो ये है मेरी सिचुएशन, और इसको मैं थोड़ा सा मतलब अब मुझे थोड़ा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स करना है और फिर ये इंडेक्सेस का भी ख्याल रखना है. सो दिस वुड बी, पहला तो आएगा मुझे n, ऐसा होगा समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी, लेट मी राइट इट, n t रेज पावर n माइनस 1 ln x. देन आई वुड हैव माइनस ट्वाइस समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी n t रेज पावर n, क्योंकि मैं इस t को अंदर ले जा रहा हूं, इनटू ln ऑफ x. देन प्लस summation and left hand side by the way likh raha hu n runs from 0 to infinity kya aayega n into t raised power n plus 1 ln x, ye left hand side hoga mera, maine multiply kiya term wise. So yahan pe mujhe milega summation n runs from 0 to infinity same ln x t raised power n minus summation n runs from 0 to infinity, I have what t है यहाँ पे, तो पावर एक बढ़ेगा ln x into t raised power n plus 1, then I would have minus x into summation n runs from 0 to infinity ln x t raised to power n. अब मैं थोड़ा यहाँ जो t के पावर्स है ना, मैं इनको सेम करूंगा by changing the index a bit, so that then I can just equate the coefficients of t raised power n on both sides and I will get the formula. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं चाहता हूं यहां आ जाए पावर n. Now what I do, उसके लिए मुझे करना होगा summation n runs from, देखो ये शुरू हो रहा है, पहली टर्म तो इसकी वैसे भी जीरो ही है ना, तो अगर n को जीरो कर दे तो ये जीरो हो जाएगा. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, दैट मींस t इज पावर 0, सो आई कैन राइट इट एज, लेट मी लुक अप. ओके, इसको मैं करना चाहूंगा n की जगह, ये जीरो से शुरू होता है, अगर मैं करूं इसको n runs from 0 1 to infinity, 1 अगर करूं तो क्या होगा, ये पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं n runs from 1 to, क्योंकि पहली टर्म जीरो है, l into t raised power n minus 1 ln sub x, राइट. अब मुझे पता है ये जीरो से शुरू होता है, तो मैं कर सकता हूँ, हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेरी बात समझ आ रही है, मेरे कहने का मतलब है पहली टर्म तो है ही नहीं, तो n को 1 से जाना है. अब मुझे पता है n अगर 1 होगा तो इसका पावर 0 होगा, तो अगर मैं यहाँ 0 कर दूं, लेकिन यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ भी 1 आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, उसके लिए सबसे ईजी तरीका है मैं कर लूँ यहाँ इसको ऐसे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ समेशन n रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखूँ n प्लस 1 t raised to power n ln plus 1 of x. ये सम और ये सम सेम है, देखो यहाँ पहली टर्म क्या होगी, 1 t raised power 0 l 1 of x, यहाँ भी आएगा जब n को 0 देंगे, 1 t raised power 0 l 1 of x, इसी तरह से 2, तो I can write this left hand side, चलो इसको नहीं मानते हम, minus twice, यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें n ही है, n t raised power n ln x, हाँ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, देखो यहाँ जीरो से शुरू हो रहा है अगेन, मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए, यहाँ पहला क्या पावर होगा टी का, यहाँ पहला पावर है टी का 1, सो अगर पहला पावर है 1, पहला पावर है 1, मैं लिखूंगा नहीं, पहला पावर तो 0 है, सो 0 को मानेंगे नहीं हम, तो फिर से वही करेंगे, पहले मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन n रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 तो है नहीं, क्योंकि n 0 है तो ये टर्म है ही नहीं, n t raised power n plus 1 ln x. अब मुझे पता है क्या हो रहा है, t का पावर एक्चुअली किससे शुरू होगा, आई थिंक 1 होगा, तो इसका पहला पावर 2 होगा है ना, और यहाँ आ जाएगा 2, तो अगर मुझे पहला पावर 2 चाहिए तो मैं लिखूंगा n रन्स फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, लेकिन उसके हिसाब से मुझे एडजस्ट करना होगा, यहाँ आएगा t raised power n और यहाँ आना चाहिए n plus 1, क्योंकि यहाँ अब
इससे एक ये कम है, नहीं? हाँ, तो यहाँ एन माइनस वन आना चाहिए, है ना? क्योंकि इट इज, देखो पहला क्या आएगा, एन वन इंटू टी रेज पावर टू, यहाँ भी आना चाहिए वन इंटू टी रेज पावर टू, एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी देन एल एन माइनस वन ऑफ एक्स। थोड़ा सा हिसाब लगाना है। इज इक्वल टू समेशन एन रन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे, टी रेज पावर एन माइनस, यहाँ थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ चूंकि पहला पावर क्या आएगा वन, सो लेट अस राइट इट एज एन रन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, एंड ऑफ कोर्स टी रेज टू पावर एन, यहाँ जीरो पावर आएगा, लेकिन यहाँ आना चाहिए था एल जीरो पहले, तो मुझे एल माइनस वन ऑफ एक्स लिखना चाहिए, मतलब सम के इंडेक्सेस चेंज करने हैं, और यहाँ तो कुछ नहीं चेंज करना। फाइनली हमारा जो ये पावर्स हर जगह सेम है सारी टर्म्स में, सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी रेज पावर एन ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे टी रेज पावर एन का कोफिशिएंट है, आई विल गेट एन प्लस वन इनटू एल सब एन प्लस वन ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस एन टाइम्स एल एन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एल सब एन माइनस वन एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एल एन ऑफ एक्स। सो दिस इज व्हाट आई गेट, एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा जो हमें चाहिए, व्हाट वाज दैट, वी विल गेट एन प्लस, इट वुड इंप्लाई दैट एन प्लस वन ऑफ एल एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन माइनस एक्स, मतलब एक ही साइड पे जब इसको सारा ले जाएंगे, सो दिस वुड बी एल एन एक्स माइनस एन टाइम्स एल सब एन माइनस वन एक्स। तो ये हमारी रिकरेंस रिलेशन, जो हमें मतलब जनरल ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स में भी बाय जस्ट यूजिंग द इनर प्रोडक्ट, तो हमें ये मिल गई थी। इसके बाद है इसकी एक और रिकरेंस रिलेशन फॉर डेरिवेटिव्स, व्हिच इज प्रीटी इजी। सो अनदर रिकरेंस रिलेशन फॉर इट्स डेरिवेटिव्स, वो ये है, हम एक कर चुके हैं फॉर जनरल केस, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू, एल एन प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये बहुत ही सिंपल सी रिलेशन है, माइनस एल एन ऑफ एक्स। हाँ, कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे, एल एन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सब एन माइनस वन डैश ऑफ एक्स माइनस एल एन माइनस वन ऑफ एक्स, यानी अगर आपको एन प्लस वन को डिफरेंशिएट करना है तो यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द एल एन माइनस वन फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ एल एन माइनस वन, यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ एल एन। नाउ दिस इज अ नाइस रेफरेंस रिलेशन, लेकिन हमारा क्या है, हमारा टाइम है 2 मिनट, पता नहीं इसमें ये होगा कि नहीं, बट लेट अस ट्राई। इसमें भी वही है, मतलब लेट मी गिव इट यू एज अ होम असाइनमेंट, हमें पता है ये जो इसकी जनरेटिंग फंक्शन है, क्योंकि मैं दूसरी क्लास नहीं लूंगा आज, टी रेज टू पावर एन एल एन ऑफ एक्स बराबर है, हमें पता है वन बाई वन माइनस टी इंटू ई रेज पावर माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टी। देखो इसमें वही करना है, डिफरेंशिएट ये ज्यादा इजी है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वो इंडेक्सिंग सेट करके एंड इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा एन रन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टी रेज पावर एन एल एन डैश ऑफ एक्स, क्योंकि टी के साथ नहीं है, तो यहाँ मुझे मिलेगा वन माइनस टी, ऑफकोर्स यहाँ तो ज्यादा ईजी है, तो यहाँ क्या आएगा, सो इट वुड बी एक्स के साथ करेंगे तो माइनस टी डिवाइडेड बाई वन माइनस टी इंटू ई रेज पावर माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टी। अब यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करो यही पावर सीरीज एंड देन